नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा हिंदी के अक्षर ऊपर, यानी कि जिनका नाम उमा शंकर है या उमा है या उर्वशी, इसी तरह कोई भी नाम जो ऊ से स्टार्ट होता है या हम कह सकते हैं अंग्रेजी के यू लेटर से स्टार्ट होता है, तो वे सभी जो हिंदी में अपना हस्ताक्षर करते हैं, आज उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके पहले मैं आ और ई पर चर्चा कर चुका हूं। मैं आपको बता दूं, मैं हिंदी की वर्णमाला पर सभी अक्षर पर, सभी वर्ण पर मैं वीडियोस बनाऊंगा और हस्ताक्षर पर चर्चा करूंगा। आज की चर्चा है ऊपर, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऊ लिखा जाता है कुछ इस तरह से, यानी कि इसमें हमारा मनी शेल्टर बन गया, मनी बोल बन गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मनी शेल्टर और मनी बोल बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम किस फॉर्मेशन में, किस प्रारूप में बना रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमने इसी ऊ को बहुत छोटा कर दिया, देखिए आप देख सकते हैं, हमने उमा, ये देखिए उमा शंकर है या उमा मेरा नाम है, तो हमने इस तरह से लिखा, बहुत बहुत ये खींच दिया, यानी कि हमने हाइट नहीं दी। तो इसका मतलब ये है, आप बड़ा प्रेशराइज फील करेंगे, आप एक छटपटाहट की भावना रहेगी, निकलना चाहेंगे कि ये कहां, नहीं होता कि मन में कि बड़ा सफोकेशन सा लगता है कि अरे यहां से निकले, किसी तरह यहां से हट जाए। तो जब तक आप अपने सिग्नेचर को बहुत चिपटा करके लिखेंगे, चिपका करके लिखेंगे, तो आप बहुत सप्रेस्ड फील करेंगे, परेशान रहेंगे। बेहतर क्या होगा, आपको अपने लेटर को थोड़ा सा हाइट देनी होगी, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। अब आप अंक तीन की तरह आप ऊ को लेकर के आइए, और ये वास्तव में उन सभी के लिए बड़ा फायदेमंद है, अगर जो जिनका मूलांक या भाग्यांक तीन का है, तो उनके लिए बहुत बहुत सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। देखिए, यहां पर उमा लिखा जा सकता है, बिल्कुल तीन का अंक आ गया, मनी शेल्टर और मनी बोल, यानी कि धन के दो क्षेत्र। आप चाहें तो इस तरह से भी ऊ को लिख सकते हैं। यहां पर हमारा एक मनी बैग और बन गया। अगर आपका नाम उमा है, उमा शंकर, तो आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के इसमें फायदा क्या है कि आप नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट, अब देखिए इसका हम, इसमें फायदा क्या होता है, ये अगर आप इस तरह से ऊपर लेकर के चले गए, तो ये आपको बहुत बहुत महत्वाकांक्षी बनाएगा। आप नीचे लेकर के आ रहे हैं, तो आपको बड़ा साहित्यकार, साहित्य में रुचि रखने वाला बना देगा। ये आपको ये बना सकता है आपको व्यापारी, अगर आप ये बिजनेसमैन बनाएगा, क्योंकि आपने धन को बहुत पकड़ के रखा हुआ है। ये आपको लिटरेचर थोड़ा क्रिएटिव बना देगा, ठीक है, लिटरेचर में रुचि रखने वाला, संगीत में रुचि रखने वाला, इस तरह से बना देगा। अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तब ऊ का जो आकार होगा वो कुछ बिल्कुल सीधे होगा, तीन की तरह, बिल्कुल जैसे हम लोग आ बनाते हैं, बस आ में मात्रा इधर हो जाती है, यहां इस तरह से जाएगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रभावी, बहुत बुद्धिजीवी। ये तीनों जो लेटर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये धन को दिखाता है, ये क्रिएटिविटी को दिखाता है, ये समाज को लेकर के चलता है। तो आप इस तरह से अपने अक्षर को लेकर के आए, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। और अगर आप चाहें तो तीन में बीच मनी बैग भी बनाएं, तो भी फायदा होगा। लेकिन कोशिश करिए कि जो आप जिसमें कन्वीनियंट फील हो, जिसमें आपको स्ट्रेस ना लगे, तनाव ना लगे, आप वो करें। और बाकी आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मेरा इस नंबर वीडियो पे दिया हुआ है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर, नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।